ऑल ऑफ यू। प्रीवियस टू क्लासेस नंबर सिस्टम से जुड़ा हुआ आपको पढ़ाए थे। टुडे आज भी आपको नंबर सिस्टम से जुड़ा हुआ ही सम बताएंगे। हाल के दिनों में बीपीएससी सीडीपीओ वगैरह बीपीएससी जो कंडक्ट करवाई है परीक्षा, उसमें उसी से जुड़ा हुआ सम जो है नंबर सिस्टम चैप्टर से जो आया है उसी को आज हम सॉल्व करेंगे। पहला सम है जो एग्जाम में आया है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 200 एंड 600 आर डिविजिबल बाई 4, 6 एंड 5 करा, कितना नंबर्स है 200 और 600 के बीच में जो कि 4, 5 और 6 से डिविजिबल है। तो सबसे आसान तरीका है इसका कि इस तरह का नंबर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे। 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 4, 5, 6 का एलसीएम आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा 60। अब देखेंगे कि 60 का मल्टीपल में 200 और 600 के बीच में कौन कौन सा नंबर आता है। तो 200 के बीच में आएगा 240, 300 इस तरह से 540 तक आएगा नंबर्स, यहाँ तक। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, 60 से ये जो सीक्वेंस है इंक्रीज कर रहा है। तो इसका फर्स्ट टर्म हो गया 240, डिफरेंस इसका 60 और लास्ट टर्म जो है ये 540। 10 क्लास में अरिथमेटिक सीरीज में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग पढ़ाए थे nth टर्म फाइंड करने का तरीका था a n माइनस 1 इंटू डी। अंतिम टर्म है, फर्स्ट टर्म है, नंबर ऑफ टर्म है और ये कॉमन डिफरेंस है जो कि 60 का ये नंबर के साथ ही इंक्रीज कर रहा है। तो अंतिम टर्म हो गया 540, फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 240 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 60। 240 को इसमें सबट्रैक्ट कर देंगे, 540 में 2 से 40 को इधर सबट्रैक्ट करेंगे, रिजल्ट इधर आ गया हमारा 360 n माइनस 1, इससे डिवाइड करेंगे 5 इक्वल टू n माइनस 1 यानी 5 प्लस 1 यानी 6, यानी 200 और 600 के बीच में जो 4, 5 और 6 से डिविजिबल हो कितना नंबर हो गया हमारे पास 6। इस तरह से आसानी से फाइंड कर लिए। सेकेंड सम जो दिया हुआ है, सेकेंड सम कि इफ़ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, देन 3, 4 का n माइनस 4 पर जो 3n का जो पावर ही ऑलवेज डिविजिबल बाई 7, 17, 112, 145 नॉन ऑफ दीज। तो इसमें हम क्या देख रहे थे कि कितना नंबर्स इसमें ये इसके बीच में है, तो ये 6, तो इसको हम लोग डार्क कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। सेकेंड हमारे पास जो नंबर्स है n है सो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, यानी हमारा कहने का मतलब 1, 2, 3 कुछ भी रख सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर हो गया। 2 का सॉल्व कर रहे हैं, तो जब n को हम 1 ले लेते हैं, 1 से ही सॉल्व करके देखते हैं कि वो कौन सा नंबर से ये है सो डिविजुअल होगा, कौन सा नंबर से ये डिविजुअल होगा इसमें से हम चेक कर लेंगे। जब n 1 रखते हैं तो हमारा 4, 3 into 1 यानी 3 पर 4 पावर 4 पर 3 पावर 81 इंटू 64 यानी 17 आ गया। 2 रखेंगे तो 17 का मल्टीपल में आएगा, कहने का मतलब कौन सा नंबर से ये हमेशा डिविजुअल हो जाएगा, तो 17 से। इस तरह से बीपीएससी में भी बहुत आसान सम जो है नंबर सिस्टम से जुड़ा हुआ पूछा गया था। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा ईमानदारी से, मेहनत से, समझदारी से सुनने और पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना आ गया 17,
जो ये हमेशा डिविजुअल होगा। तो आंसर हमारा इसमें बी आ गया। थर्ड है डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस जो है 256,000 है एंड द सम ऑफ द नंबर्स इज 1000। दो नंबर का सम कितना है 1000। दो नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 256,000। यू हैव टू फाइंड द टू डिफरेंट नंबर्स। लिखेंगे लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई फ्रॉम क्वेश्चन, प्रश्न से हमारा दिया हुआ है दो नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस जो है 256,000 और दोनों नंबर का सम कितना दिया हुआ है 1000। अब जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई 256,000 दिया हुआ है। अब इसका वैल्यू है सो प्रश्न में ही दिया हुआ है 1000। कितना दिया हुआ है 1000, 256,000 3030 क्या हो गया डिवाइड, यानी 1000 से डिवाइड कर दिए। एक्स माइनस वाई का वैल्यू हमारा कितना आ गया 256। इसका नाम 2, इसका नाम 1 दिए। अब क्या करेंगे 1 और 2 को सॉल्व कर देंगे और एक्स और वाई का वैल्यू आ जाएगा, एक्स और वाई का वैल्यू आएगा। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके एक्स और वाई का कौन सा वैल्यू हमारा होगा फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 से एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1000, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 256। एडिंग करेंगे इसको हम, एडिंग करने से हमारा रिजल्ट क्या आएगा एक्स एक्स 2x 1256। 2 से इसको डिवाइड करेंगे एक्स का वैल्यू जो है फर्स्ट नंबर हमारा ऑब्टेन हो गया, फर्स्ट नंबर को हम लोग प्राप्त कर लिए 628। सेकेंड नंबर इसमें से हमको निकालना है, सेकेंड नंबर्स क्या होगा 1 से एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1000 है और एक्स का वैल्यू हम 628 ले आए, वाई का वैल्यू जो है हमारा कितना आ जाएगा 1000 में 628 जो है सो सबट्रैक्ट कर देंगे, वैल्यू हमारा आ गया 2, 9 में से 2 गया 7 और 3। तो फर्स्ट नंबर हमारा ये आ गया, सेकेंड नंबर हमारा ये आ गया। ये दोनों नंबर्स जिस ऑप्शन में रहे उसको हम लोग ये डार्क कर देंगे और रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से 4 वाला में भी हम लोग आइडेंटिटी यूज करके इसका वैल्यू को हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो इस नंबर को देख लेना है, एक जो है 628, y इक्वल टू 371 जो भी ऑप्शन में रहे उसको आप डार्क कर दीजिएगा। 4 में हम बता रहे हैं, 4 में बता रहे हैं कि इसको सॉल्व करने में बहुत समय लग जाएगा यदि आइडेंटिटी यूज नहीं करते हैं। तो ए ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं ए 35, अब बी को हम लोग लेट कर लेते हैं 27। तो एक आइडेंटिटी है जो कि 8 क्लास में बताया गया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर 2a² + b²। इसी आइडेंटिटी को हेल्प लेंगे तो आ गया 2a² + b² a² + b² a² + b² कैंसल हो गया, रिजल्ट 2। 2 देख लेंगे कौन सा ऑप्शन में, डी में, तो डी को डार्क कर देंगे। इस तरह से नंबर सिस्टम से जुड़ा हुआ आज आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए जो हाल हाल के BPSC प्रश्न में आया था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना है। धन्यवाद।